हेलो बच्चों आई एम अमित बिजारणिया योर फिज़िक्स टीचर एट कंपटीशन। हम बहुत सारे वीडियोस इस तरह के बनाते हैं जो बहुत सारे बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़फुल हो बहुत सारे बच्चे उन वीडियोस से और उन लेक्चर से बहुत सारी बातें सीख सके उन्हें पढ़ाई किस तरीके से करनी है एग्ज़ाम किस तरह से अटैप्ट करना चाहिए क्या पढ़ना चाहिए क्या, क्या अवॉइड करना चाहिए हम इस तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ लेकर आते हैं जो बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं दिस वीडियो इज़ लिटिल बिट डिफरेंट मैं पहले ही बोल दूँ बेटा इस बात को कि ये वीडियो मासेस के लिए नहीं है मोस्टली बच्चों के लिए नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ जो टॉप रैंक एम कर रहे हैं और उन जिनकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही है जिनको ऐसा लगता है कि सर हमारा आई बहुत ही शानदार है हमारी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो ऊपर की 2000 3000 रैंक आईटी एडवांस के अंदर एम कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए ही है मैंने बात शुरुआत में इसलिए बोल दी है कि मोस्टली बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो जो जेई मेन की तैयारी कर रहे हैं बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेटा ये वीडियो नहीं है हम इसमें यह डिस्कस कर रहे हैं कि आई एडवांस के जो बहुत टफ क्वेश्चन हैं जो एक्सट्रीमली मॉडरेट

क्योंकि तो सर हमने सुना है कि आई ईडो आई ई रोडो के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन नहीं करने चाहिए कुछ छोड़ने भी चाहिए बहुत सारे क्वेश्चन हमारे कोर्स में नहीं है बिल्कुल सही बात है बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं करने चाहिए कौन से कौन से क्वेश्चंस आईआईटी एडवांस्ड जो बच्चे एम कर रहे हैं खास तौर से ऊपर की 2000 रैंक जो बच्चे एम कर रहे हैं उनको कौन से कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए आई ई रोडो से मैं उसकी एक लिस्ट लेके आया हूं हालांकि ये वाली बात बच्चे मुझे बहुत टाइम से बोल रहे थे लेकिन इतना समय मुझे मिला नहीं कि मैं इस बात को इस बात पर वीडियो बना सकूं मैं फिर से इस बात को कहूंगा कि मोस्टली बच्चे जो जेई मेन की पढ़ाई कर रहे हैं जिनकी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं चल रही जितना वो जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं अपने आप से वो बेसिक्स पर ही ध्यान दें आसान आसान चीज़ों पर ही ध्यान दें आसान आसान सवालों पर ही ध्यान दें लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं आसान सवाल में अटकते नहीं है उनको धीरे धीरे टफ क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाती है अपने कोचिंग मॉड्यूल के लगभग लगभग सारे के सारे टफ क्वेश्चन निपटा चुके होते हैं और उन्हें लगता है कि सर कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं कि बेटा बिल्कुल कर सकते हो आई ई रोडो इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स फॉर आई टी एडवांस अगर आप ऊपर की टॉप रैंक्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो इसमें सारे के सारे सवाल जो हैं वो सब्जेक्टिव हैं लेकिन अगर हम सारे के सारे सवालों क्वेश्चंस को अगर करते हैं तो हमारा जो आई है जो एप्टीट्यूड है जो अनालिटिकल स्किल है वो काफ़ी हद तक बढ़ती है और उसके बाद ऑफकोर्स वो स्किल्स हमारे एग्जाम में भी काम आती है कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स को खास तौर से जो बहुत ही डीप हैं, उनको अगर ग्रो करना है तो ऑफकोर्स आई e करना चाहिए लेकिन सिर्फ तभी जब आपके बेसिक्स क्लियर हैं, सिर्फ तभी जब आपके सारे के सारे बेसिक्स क्वेश्चन डन है सिर्फ तभी जब आपके कोचिंग का सारा सारा मॉड्यूल डन है तो मैं पहले ही बोल दूं ये सारी के सारी बातें बड़ा मैंने, सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए ही ये सारा का सारा वीडियो बनाया है आई होप दैट मैंने आप लोगों को ऑफेंड नहीं किया है मेरा ऐसा कोई एम भी नहीं है मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जिसके ज़रूरत का वीडियो है सिर्फ वही बच्चे देखें बाकी बच्चे अपना टाइम वेस्ट ना करें ठीक है तो चलिए मुद्दे पर आते हैं मैं सबसे पहली बात बोलूँगा दो या पाँच तक आई जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता था उसके बाद आई ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया

लेकिन अगर हम देखें तो लगभग लगभग पचास परसेंट पेपर जो है वो मॉडरेटली टफ टू टफ आता है जिस बच्चे को बहुत अच्छी रैंक चाहिए वो ऑफकोर्स आसान वाले सवाल तो सारे के सारे करेगा ठीक है लेकिन उसे टॉप रैंक के लिए ऊपर के जो पचास सवाल हैं जो मॉडरेटली टफ टू टफ है उनमें से भी कुछ सवाल तो करने ही पड़ेंगे सारे तो ऑफकोर्स उससे भी नहीं होंगे लेकिन वो चाहेगा कि उन 50 परसेंट सवालों के अंदर 20 परसेंट पच्चीस परसेंट सवाल वो कर पाए ऐसे सवाल वो तभी कर पाएगा जब उसको कॉन्सेप्ट की डेप्थ पता होगी उनके पीछे के मैथमेटिकल कैलकुलेशन पता होंगी और ऑफकोर्स वो तभी हो पाएगा जब वो अपने दो साल तीन साल की तैयारी के अंदर इस तरह के सवालों को फेस करे आजकल के जो कोचिंग के मटेरियल्स हैं अच्छी कोचिंग के जो मटेरियल हैं वो ऑफकोर्स इस तरह के सवालों को अपनी सीटों के अंदर पहले से ही डाल देते हैं और ऑफ कोर्स उनको बढ़िया तरीके से अरेंज भी रखते हैं लेकिन आई ई जो बुक है उसके अंदर भी ये सारे के सारे, सारे सवाल हैं और वो भी अच्छे खासे असेंडिंग ऑर्डर के खास पहले वाला सवाल आसान फिल्टअ फिल्टअ इस तरह से है तो जो बच्चे टॉप रैंक एम कर रहे हैं वो लगभग लगभग आई ई इरडो करते ही करते हैं और करनी भी चाहिए अगर आपके पास समय हो तो खासतौर से जो बच्चे फिजिक्स ओलंपियाड भी एम करते हैं वो लोग भी आई ई इडो पक्का कर सकते हैं चलिए है ना मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अभी बेटा सब वही लोग वीडियो देख रहे हैं जो लोग है ना आई एडवांस के ऊपर के दो हजार रैंक को एम कर रहे हैं जो सबसे पहला चैप्टर है वो मैकेनिक्स है मैं एक बात बोलना भूल गया बेटा इर्डो के अंदर इस बात का ध्यान रखना कि वेक्टर्स जो है ना जैसे मान लो कि फोर्स वेक्टर है तो उसको एफ वेक्टर ऐसे नहीं लिखा हुआ ऐसे नहीं लिखा हुआ बल्कि उसमें क्या है कि एफ को ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ है ऐसे बोल्ड में लिखा हुआ है ऊपर ऐसे लाइन नहीं बना रखी सिर्फ और सिर्फ बोल्ड में लिखा हुआ है तो आप समझ जाना जहां कहीं बोल्ड में लेटर्स हो तो आप इस बात को समझ लेना कि इसका मतलब वो वेक्टर है मान लो ए अगर मान लो बोल्ड में लिखा है तो समझ समझाना कि ये ए वेक्टर है मान लो आर है वो बोल्ड में लिखा है तो समझ समझाना कि ये आर वेक्टर है ऊपर ऐसे लाइन नहीं बना रखी ठीक ध्यान रखना इस बात का सबसे पहला चैप्टर जो है मैकेनिक्स है नंबरिंग जो है वो दो तरीके से है कई बुक्स के अंदर मतलब है तो रोडो बुक लेकिन अलग अलग पब्लिशर्स हैं उसके ठीक है तो मेरे ख्याल से अरिहंत के अंदर मेरे ख्याल से इस तरह से नंबरिंग है, है और जो है, मेरे ख्याल से तो मेरे ख्याल से तो तुम तो तो समझ जाओगे पहले वाला जो तो बने वो तो चैप्टर का नाम है और जो वन टू थ्री ये क्वेश्चन नंबर है तो मैंने यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है मैंने पहले लिख दिया तो one one one, है, two, two, है।, है तो वन पॉइंट वन और वन एक है पहला चैप्टर मैकेनिक्स है क्वेश्चन नंबर एक से लेकर पैतीस तक सिर्फ लीनियर कैनमेटिक्स है वही वेलोसिटी एक्सलरेशन डिस्प्लेसमेंट ये है 36 से 54 फोर बड़ा अचानक से सर्कुलर कैनेमेटिक्स है जिसमें एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सलेशन वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें आ गई हैं ये सारे सवाल आप कर सकते हो बेटा जमान नंबर लिखे सिर्फ वही सवाल करने बाकी सवाल नहीं करने फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्टी भी आप कर सकते हो फिफ्टी छोड़ देना ये जो क्वेश्चन ये सर्कुलर कॉनमेटिक्स के हैं, के अंदर, बाद में पढ़ाते हैं तो पहले सिर्फ और सर्कुलर पढ़ा तब ये वाले सवाल कर लेना। और फ्रिक्शन के जो सवाल हैं बेटा वो फिफ्टी फिफ्टी नाइन से एट्टी टू है सारे डूएबल हैं फिफ्टी नाइन से धीरे धीरे आगे चलते हो तो पहले तो आसान होते हैं और जैसे ही सेवेंटी फाइव सेवेंटी सिक्स ऐसे क्रॉस करोगे फिर सवाल अचानक से टफ हो जाएंगे 83 से 95 भी कर सकते हो ये वाला तो सवाल है ये सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट इसके अंदर वापस से आ गए हैं तो अगर आपने सिर्फ उसे फ्रिक्शन तक ही पढ़ रखा है तो सिर्फ यही करना क्योंकि मोस्टली कोचिंग्स के अंदर सर्कुलर मोशन बाद में पढ़ाते हैं तो सर्कुलर मोशन पढ़ने के बाद आप 83 से 95 कर सकते हो फ्रिक्शन तक पढ़ रखा है तो यहां तक सवाल फ्रिक्शन के आगे ऑफकोर्स ये वाले सवाल ये सर्कुलर मोशन के फिर 96 से लेकर 112 तक जो क्वेश्चन हैं, दीज आर एक्सट्रीमली टफ आपके पास बहुत अच्छा समय हो तभी करें थोड़े मिसलेनियस और सर्कुलर मोशन और जो मोशन के सारे कॉन्सेप्ट मिला मिलू के इसके अंदर अच्छे खासे से सवाल हैं आपके पास समय हो तभी करें क्वेश्चन नंबर 118 से लेकर 146 तक वर्क पावर एनर्जी के सवाल हैं 147 से लेकर 187 तक सर्कुलर मोशन और कॉलिजन के सवाल हैं फिर आप 188 से 199 तक अगेन बड़ा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन हैं सारे के सारे आप ये कर सकते हो आगे जो सवाल आप कर सकते हो बड़ा वो ग्रेविटेशन के हैं याद रखना बेटा ग्रेविटेशन बहुत सारे बच्चे क्लास ट्वेल्थ के अंदर पढ़ते हैं तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसको छोड़ देना 200 से लेकर दो तक आप ग्रेविटेशन के क्वेश्चन कर सकते हो आखिरी के दो तीन सवाल के अंदर बेटा कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी वो आप देख लेना कहीं से मिल जाए तो अदरवाइज आप आखिरी के दो तीन सवाल छोड़ सकते हो मतलब टू ट्वेंटी और टू में कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी उनको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो कैलकुलेशन थोड़ी सी सवाल में टफ है तो आपकी मर्जी हो तो कर लेना अदरवाइज आप छोड़ सकते हो आरबीडी में 234 से 284 तक जो क्वेश्चन हैं वो आप कर सकते हो इसमें आप बड़े आसानी से 270 तक तो बड़े प्यार से कर लोगे उसके बाद आखिर के जो 14 क्वेश्चन हैं वो थोड़े से हायर लेवल के चले जाते हैं तो आपके पास खूब समय हो अच्छा टाइम हो तब जाके बेटा वो वाले आखिर के 14 क्वेश्चन करें अदरवाइज टू तक तो कर नहीं है इलास्टिसिटी के 290 से लेके 304 तक हैं अगेन बेटा इसमें 300 तक तो सवाल आसान है आखिर के चार सवाल थोड़े से टफ हैं अगर आप करना चाहो तो उनको आखिर में कर लेना नेक्स्ट इज फ्लूड में 315 से लेके 335 तक क्वेश्चंस आप कर सकते हो सिंपल फ्लूड वाले सवाल हैं रिनोल्ड नंबर जो है मैंने आपको क्लास में बेटा पढ़ा रखा है जे मेन के सिलेबस में है इसका एक सवाल है कर लेना जैसे मैंने आपको क्लास में बता रखा नमर, वैसा सवाल है सिटी के बड़ा तीन से उनचालीस तीन सवाल है ये करना चाहो कर लेना नेक्स्ट चैप्टर इज थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही बढ़िया चैप्टर है मैकेनिक्स बहुत ही अच्छा दे रखा है रोडो के अंदर थर्मोडाइनमिक्स में बहुत ही शानदार दे रखा है एक से लेकर 25 तक गैस इक्वेशन पर मतलब पी वी इज इक्वल्स टू एनआरटी पर या फिर इसी का एक अल्टरनेट फॉर्म और है पी इज इक्वल्स टू रो आर टी पर इन दो फॉर्मुलों पर एक से लेके 25 तक सवाल है 26 से लेके 61 तक आप क्वेश्चन कर सकते हो वो फर्स्ट लो पे हैं फर्स्ट लो बड़ा याद है ना डेल्टा क्यू इज टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू सिक्सटी से लेकर 90 तक जो क्वेश्चन है वो कैनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे है हालांकि जैसे ही आप बड़ा सिक्सटी से 80 तक कर लोगे तो काफी है जैसे आप 80 से 90 जाओगे तो वो मैक्सवेल की जो सॉरी मैक्सवेल जो डिस्ट्रीब्यूशन uh, कर था उसके बहुत ही बेसिक बेसिक शानदार शानदार मैथमेटिकल बढ़िया बढ़िया सवाल आते हैं वो अगर बहुत ज्यादा मन हो तभी करें अदरवाइज आप उनको लीव कर सकते हैं हालांकि किसी बच्चे ने अगर 80 से 90 के क्वेश्चन भी कर लिए तो वो उसके आगे भी जा सकता है 91, 92, 93, 94 भी वो कर सकता है क्योंकि वो दस सवाल करने से उसका काफी हद तक उसे सारी सारी चीज समझ में आने लग जाती है वो तो आगे के

सेकेंड लो जो हमारे बड़ा कार्नोट साइकिल वगैरह है उस पर बड़ा क्वेश्चन है 113 से लेके 127 तक सेकंड लो के अंदर ही एंट्रोपी है बड़ा उसमें क्वेश्चन है 130 से लेके 140 तक एंट्रोपी हमारे फिजिक्स के सिलेबस में नहीं है तो ये क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ सकते हो लेकिन हमारे केमिस्ट्री में है तो ऑफकोर्स केमिस्ट्री में अगर एंट्रोपी के सवाल में थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए आपको तो आप ये ग्यारह सवाल भी कर सकते हो सरफेस टेंशन के क्वेश्चन जो है बड़ा वन सिक्सटी से लेके वन एटी तक है अगेन मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर क्वेश्चन नंबर वन सेवेंटी फाइव तक तो बड़े आसानी से हो जाते हैं लेकिन जैसे आखिरी के पांच सवाल में आते हैं वैसे थोड़ी टफनेस बढ़ती है ठीक है आई होप बड़ा सारी बातें आप इसमें नोट डाउन कर रहे हो कि मैंने कौन से कौन सी बातें आपको बताई है मैंने ऐसे सिर्फ नंबर नहीं लिखे उन नंबरों के साथ साथ मैंने आपको बातें भी खूब सारी बताई है अगला चैप्टर है इलेक्ट्रो डायनेमिक्स पूरा आगे इसमें इलेक्ट्रो ठीक है अब उसमें क्वेश्चन नंबर वन से लेकर फिफ्टी थ्री अब जा बड़ा कई बुक्स में से फिफ्टी थ्री ऐसे लिखा होता है one, two, के में क्या हो गया चैप्टर का नंबर ठीक तो है तो आप वो तो समझी गया था है? एक से लेकर तिरपन तक बेटा ठीक है इजी काइंड ऑफ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड पर उसमें से मैं फिर से कहूंगा कि एक से लेकर चालीस तक जो क्वेश्चन है बेटा वो आसान है आखिर के तेरह सवाल फिर से आपको परेशान करेंगे फिर कंडक्टर पे बड़ा कुछ सवाल है 54 से लेके 70 तक सिर्फ और सिर्फ इतने ही करना इसके आगे वाले बिल्कुल मत करना इसके आगे वाले बड़ा बिल्कुल मत करना इसके आगे वाले जो क्वेश्चन हैं उनके अंदर कुछ ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं कि पोलराइजेशन के ठीक है बड़ा डायपोल मोमेंट सॉरी मोलिक्यूल्स के अंदर जो डायपोल मोमेंट है उन पर कुछ सवाल हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है वो हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी किसी बच्चे के बच्चे को बड़ा बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज चाहिए तो वो कर सकता है अदरवाइज आप उसके आगे के सवाल बिल्कुल अवॉइड कर दें कैपेसिटेंस के बेसिक कैपेसिटेंस की डेफिनेशन पर सवाल जो है वो 101 से लेके 126 तक है 127 से लेके 137 तक बड़ा अगेन कैपेसिटर के टफ भी चाहो तो करो चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के वन से वन सर्किट पे ऐसा सर्किट जिसमें कैपेसिटर भी है और बड़ा रेजिस्टेंस भी है उसके क्वेश्चन बड़ा वन से वन तक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करंट के कारण कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वगैरह वगैरह सोलिनॉयड वगैरह हर चीज जो है उनके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन और उन शुरुआत वाला फॉर्मुला बेस्ड और जैसे जैसे जा आगे जाएंगे वैसे वैसे बड़ा कॉन्सेप्ट थोड़े से टफ होते रहेंगे लेकिन अगर आपको सारे फॉर्मुला याद रहेंगे तो आप धीरे धीरे उन सवालों को कर सकते हो दो से लेकर दो तक उसके आगे वाले नहीं करने हैं फिर उसके बाद आपको ई के सवाल करने पड़ेंगे टू से टू हंड्रेड से वो बड़ा टू एट्टी एट से थ्री वन नाइन है शुरुआत वाले अगेन बड़ा आसान होंगे आगे जाओगे वैसे वैसे टफ हो जाएंगे फिर एक दो सवाल तो बड़ा ठीक है सर्किट के हैं और अगले सवाल बड़ा कुछ म्यूचुअल इंडक्शन के हैं तीन सौ सत्ताईस से तीन सौ इकतीस तक वो भी कर लेना बीच के जो सवाल है वो आप चाहो तो छोड़ सकते हो अब किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं या फिर किसी करंट कैरिंग वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं तो उस पर कैसे कैसे फोर्स लगेंगे बड़े आराम से कर सकते हो किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं ऐसे सवाल मैंने भी आपको टफ वाले क्लास में करा रखे हैं लेकिन उससे भी एक दो सवाल टफ आपको इसके अंदर मिल जाएंगे इन बड़ा सात सवालों के अंदर एक सवाल या दो सवाल तो उससे भी टफ है जो मैंने क्लास के अंदर कराया है आपके पास टाइम हो पेशेंस हो तो ये वाले सवाल भी आप कर सकते हो आगे चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स मिलाकर है इसमें क्वेश्चन नंबर से लेकर 58 तक सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्वेश्चन हैं मैं फिर से कहूंगा कि इसके अंदर रफली बेटा फोर्टी फाइव क्वेश्चन तक तो आप बड़े आराम से कर सकते हो फिर धीरे धीरे ऑफकोर्स टफनेस लेवल बढ़ जाएगी ये इलेक्ट्रिक ऑसुलेशन जो है बेटा इसके अंदर एलसी ऑसिलेशन और जो हमारा आर एल सी सर्किट है उसके सवाल हैं है ना जिन बच्चों ने इलेवंथ क्लास में ही पढ़ाई कर रखी है वो ये मान के चलना कि आप ये बाकी सवाल कर सकते हो ये इलेक्ट्रिक ओसोलेशन वाले सवाल आप नहीं कर सकते आप ये वाले सवाल छोड़ देना ये ऑफ कोर्स जब आपने ई एम आई वगैरह पढ़ रखी हो तभी कर सकते हो ठीक तो ये एल सी ओसोलेशन और आर एल सी सर्किट पर बेस्ड कुछ सवाल हैं जिनके कॉन्सेप्ट सिंपल हारमोनिक मोशन से मैच करते हैं नेक्स्ट इज 150 से 183 तक वेव्स पे सवाल हैं अच्छे सवाल हैं आईआईटी एडवांस ने इस तरह के सवाल पहले आप पहले पूछ भी रखें आप चाहो तो बड़ाई वाले सवाल निपटा सकते हो अगेन मैं इसमें कहूंगा कि आप बड़ा वन सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन तक तो करें उसके बाद ऑफकोर्स बड़ा सवालों की टफनेस लेवल थोड़ी सी बढ़ जाती है बने तो करते रहना नहीं बने तो छोड़ देना चैप्टर फाइव बड़ा ऑप्टिक्स का है ऑप्टिक्स इरडो के अंदर बिल्कुल भी अच्छी नहीं दे रखी है शुरुआत में ल्यूमिनेंस दे रखी है फिर डिफ्रैक्शन दे रखा है तो मोस्टली उसके अंदर वो टॉपिक ज़्यादा दे रखे हैं ऑप्टिक्स के जो हमारे आई एडवांस के सिलेबस में नहीं है ना हमारे सिलेबस में डिफ्रैक्शन है डिफ्रेक्शन मेन में, में ज़रूर है लेकिन मेन का सवाल करने के लिए हमें इरडो करने की तो ज़रूरत ही नहीं है पहले कुछ जो सवाल है वो ल्यूमिनेंस के हैं तो इसलिए ऑप्टिक्स हमारे किसी काम की इरडो में नहीं है ठीक है तो ऑप्टिक्स आप जिस सोर्स से कर रहे हो ऑफकोर्स आप अपने कोचिंग मटेरियल से कर रहे हो उससे करते रहे दैट वुड बी मोर देन एनफ इडो के अंदर कोई सवाल ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है हालांकि एक दो सवाल वे ऑप्टिक्स के अंदर मुझे जरूर मिले कि है ना एक दो थोड़ी हालांकि मुझे सवाल दस बारह मिले लेकिन वो मुझे सवाल मोस्टली ऐसे लगे जो हर कोचिंग के मटेरियल के अंदर पहले से सवाल हैं तो मैंने उनको जानबूझ के नहीं लिखा तो ऑप्टिक्स आप छोड़ ही देना ये ज्यादा आसान रहेगा ऐसा बोलना ठीक है उन्हें एक सवाल को मैं लिखता इससे अच्छा है कि ऑप्टिक्स तो आप छोड़ देना वो जितने सवाल इरडो के काम किए थे वो हर कोचिंग मटेरियल में पहले से हैं नेक्स्ट इज एटोमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर एक से लेकर पांच तक बेसिक जो आपका थॉमसन मॉडल है या फिर रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है उसके बेसिस पे बड़ा पांच सवाल है कर लेना उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 से 44 तक बोर्स मॉडल पे क्वेश्चन हैं अच्छे सवाल हैं बड़ा निपटा देना आई एडवांस ने पहले इस तरह के सवाल पूछ रखे हैं क्वेश्चन नंबर वन से अब बीच वाले सारे सवाल छोड़ देना बेटा किसी काम के नहीं किसी काम के नहीं मैंने सब देख रखे हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है यह मत सोचना कि सर ने कितनी मकारी कर दी फोर्टी के बाद सीधा वन लग दिया अरे बेटा मैंने सारे सवाल देख रखे हैं सारे पट रखे हैं और बहुत सारे कर भी रखे हैं मेरे तो है ना बेटा ठीक है ब्रांच भी मेरे तो फिजिक्स थी ना आई के अंदर इसलिए मैंने तो फिर भी कर रखे लेकिन आपके किसी काम के नहीं हैं 44 से लेकर 133 तक बेटा जो बीच के क्वेश्चन वो करने की जरूरत नहीं है एक्सरे पर कुछ क्वेश्चन हैं जो क्लास में करा रखे रखें मोरल बेटा वैसे सवाल हैं 130 से लेके 133 से लेकर 140 142 वन तक एक्सरे के सवाल हैं कर लेना रेडियो एक्टिविटी पे सवाल हैं 214 से 244 अगेन बेटा ये सवाल अच्छे हैं इनको निपटा सकते हो अगेन जैसे हमने क्लास में कर रखे हैं और लेस वैसे ही है न्यूक्लियर रिएक्शंस पर हमारे जो क्यू वैल्यू है कॉनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होगा कार्नेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियर क्या होगी वगैरह वगैरह पे अच्छे सवाल हैं 249 से 277 ये क्वेश्चंस भी आप बड़े आराम से निपटा सकते हो आई होप बेटा तुम सारे के सारी बात समझ गए हो जितने बेटा सारे के सारे चारों चैप्टर थे सॉरी पचारों के बेटा छो चैप्टर थे मैंने सर के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी है मैंने सिर्फ और सिर्फ इसमें आपके लिए ऑप्टिक्स छोड़ा है बड़ा ऑप्टिक्स आप किसी और बुक से करें बाकी आप इरोडो बड़े आराम से निपटा सकते हो मैं फिर से इस बात को बोलूंगा कि कोई बच्चा कहे कि सर मैं मैं तो बेसिक में अटका हूं अगर आप बेसिक में अटके हुए हैं तो आपको इरोडो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए जिनके बेसिक्स क्लियर हो जिनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो अपने कोचिंग का मटेरियल निपटा रखा हो आसान सवाल में ना अटकते हो सिर्फ वही बच्चे इरोडो करें अदरवाइज ना करें आई एडवांस में जो टफ सवाल हैं या फिर मॉडरेटली टफ जो क्वेश्चन हैं उनको करने के लिए इर्डो जैसे सवाल अगर किसी बच्चे ने अगर कर रखे हो तो उसका कॉन्फिडेंस भी हाई होता है और ऑफकोर्स उसको बहुत सारी बातें आती हैं और डेप्थ तक आती हैं मैं भी कोशिश करूंगा कि इनके सोल्यूशंस धीरे धीरे बनाऊँ और ऑफकोर्स यूट्यूब पर डाल दूँ है ना हालांकि इनके सोल्यूशंस कौन रखेगा बट स्टिल मैं तो अपना पार्ट करने की कोशिश तो करूँगा मैं एक बात और कहूँगा कि जब भी टफ सवाल करते हैं ना तो उसके लिए एक अलग तरह का माइंड सेट चाहिए होता है आसान सवाल करना आसान होता है क्योंकि सवाल होता रहता है तो इंसान करता रहता है जब सवाल नहीं बनता फिर भी आप करते और आगे वही बढ़ता है अच्छा वही करता है बढ़िया रैंक उसी की आती है जो लगातार लगा रहता है तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर है और वो इरडो करने लग गए तो ऐसा मत मान लेना कि ना बहुत ही स्मूथ रोड होगी नहीं बेटा दिस रोड विल बी ऑफ कोर्स टफ क्वेश्चन टफ है आपके लिए जर्नी काफी टफ रहेगी या आपके पेशेंस को टेस्ट करेगी कि आप कितने पेशेंस से सवाल करते हैं कितने प्यार से कितने मन से सवालों को करते हैं इसलिए इनमें समय लगता है तो जिस किसी बच्चे ने इलेवंथ ट्वेल्थ क्लास में कोचिंग नहीं कर रखी है और वो रिपीट करने वाला है पहली बार ऑफ कोर्स इलेवन ट्वेल्थ में कोचिंग नहीं कर रही है सीधी पढ़ाई जो है वो रिपीटर में करने जा रहा है आई आई एडवांस की वो बच्चा इरडो बिल्कुल ना करें उसके पास इतना समय नहीं है मैं ये

कैनामेटिक्स क्लास के अंदर मान लो पढ़ा दी उसने शीट के सारे सवाल कर लिए वो बहुत कॉन्फिडेंट है अब करे जैसे ही जैसे ही वो कैनामेटिक्स के सवाल करेगा उसे अपने औकात का काफी हद तक आइडिया लगेगा कि यार मुझे कितना आता है कितना नहीं आता वो सवाल सब लड़ेगा झगड़ेगा गिरेगा पड़ेगा फिर उठेगा और उस उठने के दौरान वो बहुत सारी बातें सीखेगा और वही तो इम्पोर्टेंट है कोई सवाल अगर हमसे पहली बार में बन गया हो वो सवाल हमें कुछ नहीं सिखाता जो सवाल हमसे पांच बार गलत होने के बाद जब छठी बार उसका आंसर आता है तो हमें वो सवाल पांच या छह चीजें सिखाता है कि ऐसा ऐसा नहीं करना है

इस बात को बड़ा ध्यान दें कि है ना थोड़ा सा आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसमें पेशेंस चाहिए इसमें पेशेंस चाहिए पेशेंस किसम होगा रिपीटर बच्चे में पेशेंस नहीं होगा इलेवंथ ट्वेल्थ वाले बच्चे में पेशेंस होगा रिपीटर में किसके पास पेशेंस होगा जिसने एलेवन्थ ट्वेल्थ क्लास में कोचिंग कर रखी है उसके पास फिर भी पेशेंस होगा वो फिर भी कर लेगा तो हैव पेशेंस सवाल गलत होंगे बार बार गलत होंगे सोल्यूशन नहीं देखना लगे रहना है लगे रहना है लगे रहना है आंसर तो आएंगे मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि इरडो के सवाल इन जनरल जो भी टफ सवाल होते थे उसको मैं लगभग लगभग पांच बार ट्राई करता था तब जाके मेरे पास छठी बार में आंसर आता था पांच बार तो मेरे से गलत आता था आंसर और छठी बार मेरा आंसर सही आता था एक सवाल को अगर छह छह बार ट्राई करोगे तो फिर क्या सीखोगे अरे बहुत कुछ सीखोगे वो सवाल करके सिर्फ और सिर्फ मुझे वो एक सवाल ही थोड़ी आया है जब मैंने पांच बार उसको गलत किया तो मुझे पता लग गया कि यार दिस थिंग विल नॉट वर्क दिस थिंग विल नॉट वर्क दिस थिंग विल नॉट वर्क फाइव थिंग्स जो मैं पहले सोचता था कि दिस थिंग्स विल वर्क दीज थिंग्स आर नॉट वर्किंग तो ऑफकोर्स मेरा जो एनाटिकल स्किल्स है वो तो इंक्रीज हुई है है कि नहीं मैं बहुत सारी बातें नहीं सीखा हूं जो हो सकता मैं क्लास में ना सीखा हूं मैं मेरे बाकी होमवर्क में ना सीखा हूं और इस टफ सवाल करने से मैं सीखा हूं इस तरह के टफ सवालों को हो सकता है कि हम लोग एग्जाम में अवॉइड करें लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को ऑफकोर्स हम बेटा अपने घर पर होमवर्क करते वक्त घर पर पढ़ाई करते वक्त प्रैक्टिस करते वक्त ऑफकोर्स हम उनको अवॉइड नहीं करेंगे बल्कि हम उनको बड़े प्यार से बड़े इतमान से बड़े पेशेंस से करेंगे ठीक है आई होप मैंने आपका टाइम वेस्ट नहीं किया होगा आप खूब पढ़ें मन लगाकर पढ़ें प्यार से पढ़ें लेकिन फिर से कहूंगा बेटा मैंने ऐसा बोल दिया कि इरडो करनी है तो मैं ये नहीं कि इडो करनी है। मैंने इरडो सिर्फ उन बच्चों के लिए कहा है जिन बच्चों की पढ़ाई पहले से बहुत ही बढ़िया चल रही हो बाकी बच्चे अवॉइड करें चलिए मेरी तरफ से इतना ही है ऑल द बेस्ट